हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और पहले भी मैंने तत्व, यौगिक मिश्रण, तत्व, उनके संकेत, बहुत सारी चीजें, कैसे हम रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का लिखते हैं, कैसे अणु सूत्र लिखते हैं, सब मैंने बताया। आज वो सारी चीजें हम जब केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे तो सब जरूरत पड़ेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबके लिंक दे दिए जाएंगे, तो आप पिछली क्लासेस को उनसे देख सकते हैं। तो जब हम इस क्लास को पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके पहले हम जानेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं क्या होती हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस। जैसे हम मैग्नीशियम का फीता आप लोग को जला के दिखा, जब हम मैग्नीशियम के फीते का दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बहुत सारा उष्मा प्रकाश पैदा होता है और एक राख जैसा सफेद पदार्थ हमको मिलता है, उसका परीक्षण भी मैंने बताया। तो जब एकदम नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो जब हम उनको सूत्र के रूप में लिखते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके सूत्र के रूप में, तो वो रासायनिक समीकरण बनते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम का मैंने आप लोग को बताया दहन, तो मैग्नीशियम तत्व है हम सब जानते हैं, इसको मैंने संकेत के रूप में लिखा है, और ऑक्सीजन के दहन होता है, यह भी एक तत्व है। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बहुत तेज ऊष्मा प्रकाश पैदा होता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शंस है ना, और ये जो लिखा हुआ यही रासायनिक समीकरण है, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही जब हम उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, तत्व है यौगिक, यहाँ पे दो तत्व भाग ले रहे हैं, बना पदार्थ यौगिक है, तो हमने इनको संकेत के रूप में लिखा ना, सूत्र के रूप में, तो यह समीकरण बन गया, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, यह तीर के चिन्ह इसमें लगा है, इसके बाई और दाई है ना, तो बाई और जो तत्व ये जो है भाग लिए हैं, यह क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ये हमेशा बाई और लिखे जाते हैं तीर के चिन्ह की इसो, और जब दाई और जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। तो बाई और लिखे अभिकारक और दाई और लिखे उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती, नया पदार्थ बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और जो पदार्थ भाग लेते हैं जब हम उनके संकेत या सूत्र के रूप में हम उसको लिखते हैं तो बन जाता है रासायनिक समीकरण। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इनको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये जो है यह कंजर्वेशन ऑफ मास पर निर्भर करता है, कि जितने भी तत्व इसमें भाग लिए उनके परमाणु, हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें भी उतने ही, किसी भी तत्व के उतने ही परमाणु, इनमें बैलेंसिंग होता है। जैसे आप इसमें देखिए मैग्नीशियम का एक परमाणु भाग लिया और ऑक्सीजन का दो, ठीक है, तो जो बना हुआ पदार्थ है वो मिला के अगर हम ये देखें यौगिक है, तो इसमें बना कितना, मैग्नीशियम का वन, इसका वन, वन प्लस वन टू, और यहाँ पे है थ्री, कुल तीन परमाणु, थ्री एटम्स पार्टिसिपेट किस केमिकल रिएक्शन में, और जो हमको एटम मिला है ना कंपाउंड का एटम, वो क्या है वन अगर देखेंगे तो, और दोनों को मिला के सिर्फ दो एटम, दो परमाणु मिले, वन मॉलिक्यूल मिला, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं। तो इस तरीके का इक्वेशन क्या कहलाता, असंतुलित। अब हम इसको बैलेंस करना पड़ता है, इसको संतुलित करना पड़ता है, तो हम देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन दो है, तो हम यहाँ पे टू लिख देते हैं, जब हम यहाँ पे टू लिखते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम टू हो गया, यहाँ पे वन है लेफ्ट साइड, तो हम यहाँ पे टू लिख देते हैं। अब हम जब देखते हैं कि टू, और ये देखिए यहाँ पे टू, फोर एटम्स हो गए हमारे, तो जो बना प्रोडक्ट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वन वन, और यहाँ पे चूंकि टू है तो टोटल फोर। कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, नया पदार्थ बनता है, तो जो परमाणु नष्ट नहीं होते, परमाणु ना तो बनाया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, तो इस तरीके से यह कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने के लिए ही हमको इसको संतुलित करना पड़ता है। तो आज हम उसी को, उनकी मेथड जानेंगे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। इनके बैलेंसिंग की मेथड जानने से पहले पहले हमें जानेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं। जब भी हम बोलते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम का हमने दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो हम उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं तो समीकरण बन जाता है, तो उससे हमको पता क्या क्या चलता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन से हमको क्या क्या पता चलता है, सबसे पहली बात जो पता चलती है, जैसे मैंने आप लोग बताया चौक, ये जब चौक को हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, यहाँ पे तीर कच्ची और ये परिस्थिति, इसका मतलब डेल्टा का मतलब होता है जो चिन्ह बना इसे गर्म करना, तो इससे हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, साथ ही CO2 गैस मिलती है। तो आप देख रहे हो इसमें एक एरो का चिन्ह, एक एरो का चिन्ह ऊपर जा रहा है, तो इससे सबसे पहली बात ये पता चलती है कि कौन कौन से इसमें तत्व यौगिक भाग लिए, पहली बात।
तो इसमें यौगिक भाग या कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हमको संकेत सूत्र पता चल जाता है, सूत्र ये चूना सॉरी चौक का है, चौक जब हम डेल्टा से हमको पता चल रहा है बहुत गर्म करना पड़ रहा है तब जाके हमको, तो कौन कौन से पहले तो यौगिक या तत्व भाग लेते वो पता चलता है, फिर हमको क्या क्या प्राप्त होता है ये पता चलता है, अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही यह पता चलता है, और किस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे इससे साफ पता चल रहा है किसको हमको क्या देना पड़ रहा है ऊष्मा, तो ये क्या हो गई ऊष्मा शोषी, और जब हम मैग्नीशियम का दहन करते हैं ना तो कौन कौन से तत्व भाग लिए पता चला, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ और साथ में हमको क्या मिलता है ऊष्मा और प्रकाश, ये आप लोग करके दिखाई हूँ मैं प्रैक्टिकल, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो इससे हमको क्या पता चलता है ये ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, मैग्नीशियम का फीता कद है और ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें मैग्नीशियम का, और संयोजन हो रहा है यहाँ, वियोजन हो रहा है यहाँ, संयोजन हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हमको पता चलती हैं, इसीलिए हम रासायनिक जो भी अभिक्रिया उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, परीक्षा में अगर आप इस तरीके के कोई भी इक्वेशन देखेंगे तो आप जान जाएंगे इसमें क्या हो रहा है, आप आसानी से उसको डिटेलिंग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि गैस ऊपर की ओर जा रही है ना, CO2 गैस ऊपर निकल रही है, तो अब हम इनको बैलेंसिंग करने की मेथड देख लेते हैं, तो मैंने बताया आप लोगों को कि बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो, मतलब जितने भी परमाणु उस तरफ भाग लिए हैं हमको अभिक्रिया के बाद उतने ही परमाणु प्राप्त हो, तो इसकी जो मेथड है बहुत सारी मेथड है, सबसे पहले हम शुरू देखेंगे, तो सबसे पहले जब हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं, मेटल्स के बाद हम नॉन मेटल्स को करते हैं बैलेंस, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ऑक्सीजन को करते हैं और चौथे नंबर पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हमने जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी, जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा उसमें मेटल क्या है, तब इसमें देख रहे हैं हमारा मेटल क्या है, कैल्शियम, सबसे सिंपल मेथड बताऊंगी, इसमें सबसे पहले हमने कैल्शियम देखा है लेफ्ट साइड या राइट साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड के बीच में बराबर, तो जितने भी एटम भाग ले रहे हैं बराबर होना चाहिए, तो हम इसे कर लेते हैं, तो हमारा मेटल क्या है कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ कितना वन है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में हमारा कैल्शियम क्या है वन है, उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमारा क्या है कार्बन, कार्बन यहाँ पे हमारा वन है और यहाँ पे भी हमारा कार्बन क्या है वन है बैलेंस है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑक्सीजन कितना है तीन है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो दो और एक तीन, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन तीन है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है क्या बैलेंस, इसको हमको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें हाइड्रोजन है नहीं तो हमको हाइड्रोजन देखने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन होता था हम उसको भी देखते, तो इस तरीके से हमको पता चल गया इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी आप देखोगे कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक, कार्बन का एक एटम यहाँ पे भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, तो दो और एक तीन हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर है मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या बैलेंस। अब जैसे मैं कोयला आप सभी जानते हैं हम सबके घरों में दहन होता है, जब हम कोयला को दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, और मैंने बोला भी अच्छे से दहन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, तो हमारी मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं मेटल, उसके बाद हम नॉन मेटल देखते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन, तब इसमें देखेंगे मेटल, इसमें मेटल नहीं है ना, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, ये हमारा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास एक है, तो हम जब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, तो हमको जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, फिर हम फिर से फर्स्ट मेथड पे आते हैं, जब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा टू हमारी ऑक्सीजन टू हो गई, तो हमको यहाँ भी दो यहाँ भी, लेकिन यहाँ कार्बन दो यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड फिर से आएंगे और यहाँ पे भी हम इसको टू लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारी ये क्या हो जाएगी जो है बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे हमारा कार्बन भी दो हो गया और यहाँ पे भी हमारा कार्बन क्या हो गया दो हो गया आफ्टर बैलेंसिंग, और यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया दो हो गया, हम चेक करेंगे दो कार्बन यहाँ पे भी दो कार्बन यहाँ पे दो ऑक्सीजन और यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, तो इस तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जब कुछ बड़े एग्जाम्पल आएंगे तो मैं इसमें दूसरी मेथड ABCD मेथड आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी मेथड है, बहुत अच्छे से अप्लाई होती है बड़े रिएक्शन में, मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसका जब पानी के साथ इसका रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस निकलती है, ये अमोनिया बनाने के विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ये इसको लैब में बनाया जा सकता है, अब हमको इसमें देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, तो हम सबसे पहले मेटल देखेंगे, तो हमारा मेटल क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे कितना है तीन, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम एक है,
तब हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे हम तीन लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे तीन यहाँ पे। फिर अब हम इस तरफ फिर आएंगे, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम तीन है, अब यहाँ पे भी तीन हो गया, चेक हो गया। अब हम आएंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल हमारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा लेफ्ट साइड टू है, यहाँ पे हम देखेंगे कितना है वन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम टू लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या हो गया, टू हो गया। अब हम इसके बाद किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना है वन है, हम इस तरफ देखेंगे हमारा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाहर मतलब दो और यहाँ पे शुरू में तीन, तो कितना होगा, तीन दूनी छह, और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक भी नहीं, मतलब सिक्स हो गया हमारा ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन सिक्स है, नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिक्स से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिक्स ऑक्सीजन और यहाँ पे भी तीन दूनी छह हो गया हमारा बैलेंस। ऑक्सीजन के बाद अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, है ना, चौथे नंबर पे हम हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, छह दूनी बारह, लेफ्ट साइड दो और ये छह बारह, और यहाँ पे गिनेंगे कितना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए दो और यहाँ पे तीन का गुणा है तो सिक्स, और चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास दो मिल रहे हैं ना, यहाँ पे अभिकारक भी दो है और यहाँ पे हमारे उत्पाद भी दो, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तीन दूनी छह, तो कितना हो गया है चित्र बारह, ये भी बारह ये भी बारह, इस तरीके से हमारा पूरा चीज बैलेंस हो गया, तो मेटल नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन आप देखेंगे तो आसानी से आपको नंबरिंग करते बनेगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी में मैं आपको एबीसीडी मेथड बताती हूँ, इसी इक्वेशन पे आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छी मेथड है, वो बहुत काम करती है। इसको भी रफ कर देते हैं, जगह हमको छोटी पड़ती क्योंकि फार्मूला लिखते हैं, अमोनिया बनाने की विधि है। एबीसीडी मेथड का मतलब होता है जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी अभिकारक और उत्पाद इसमें बन रहे, सबको एबीसीडी नाम लिखते हैं, यहाँ चार है ये ए बी सी डी, तीन होता तो यहाँ पे मान ली ए रहता तो यहाँ पे ए लिखते एक रहता, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब हम इसको बैलेंस करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता, तो हम इसको ए लिखते और इसको बी लिखते और इसको सी लिखते, इस तरीके से। अगर यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे तीन यहाँ पे दो, तो ए बी सी और यहाँ पे डी ओ ई, मतलब बढ़ते जाता, दो है तो ए और बी आएगा, तीन है तो ए बी और सी ऐसे करके आ रहे, यहाँ पे चार है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए, इसको हम लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे हम सी और इसको हम लिख देंगे डी। अब हम ए में वही मेटल पहले देखेंगे, तो हमारा सबसे पहले क्यों लिखेंगे एमजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री ए, अब वहां पे हम देखेंगे एमजी कितना है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एमजी कितना है वन सी, ये देखिए है ना, एक भी नहीं। उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम मेटल के बाद नॉन मेटल में जाएंगे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन क्या है टू ए, हम ये देखते हैं कितने एटम है ना, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे टू और ए, यहाँ पे हम देखेंगे कितना हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे वन डी। उसके बाद हम आएंगे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन हमारा यहाँ टू भी है, टू भी लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, देखिए दो हो जाएगा, यहाँ पे टू सी प्लस थ्री डी, थ्री डी। हाइड्रोजन के पहले हमको ऑक्सीजन देख लेना चाहिए था, ऑक्सीजन हम पहले लिख देते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे होगा बी वन बी, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन और यहाँ पे बी, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टू और यहाँ पे सी, टू सी प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमको टू रिएक्टेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, तो हम यहाँ पे खाली टू सी लिखेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन पे जाएंगे, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे टू भी हो गया, और यहाँ पे चूंकि टू हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सी में भी है डी में भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सी प्लस, हम यहाँ पे लिख देंगे थ्री डी, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें किसी भी चीज को वन मान लेंगे, और फिर हम एक संकल्प कोई भी चीज को वन मान सकते हैं, ए बी सी डी किसी में भी, और हम देखते हैं कि इसमें सारी चीजें वो हो रही है, तो मान लीजिए हमने ए को वन मान लिया, ए बराबर अगर हम वन मानते हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री ए इक्वल टू वन सी, थ्री इंटू वन इक्वल टू वन सी, है ना, तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थ्री, ये हमारी वैल्यू निकल गई C इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू वन हम मान ही चुके, हमारी A की वैल्यू निकल गई C की। अब हम इस फार्मूला को देख के पहले B की वैल्यू निकाल लेते हैं, टू ए इक्वल टू वन डी, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको यहाँ D और B दोनों अननोन है ना, अगर हमको D की वैल्यू निकालना है तो हमको B और C की पता होना चाहिए, और अगर हमको B की निकालना है तो C की भी पता होना चाहिए, D की भी, तो C की तो हम यहाँ पे निकाल ली C इक्वल टू थ्री है, लेकिन चूंकि अभी D की नहीं निकली, अगर हम इस फार्मूला को लेके टू ए इक्वल टू वन डी, तो A की वैल्यू हमने क्या मानी वन इक्वल टू डी, तो D इक्वल टू क्या हो गया टू, ये वैल्यू निकल गई। अब हम इसी फार्मूला में इसको पुट कर देते हैं,
टू बी इक्वल टू टू सी की वैल्यू थ्री प्लस थ्री और डी की वैल्यू है टू, मल्टीप्लाई करो सी की वैल्यू कितनी है थ्री, टू सी प्लस थ्री डी, डी की वैल्यू तीन दूनी छह प्लस तीन दूनी छह है ना, तो टू बी इक्वल टू ट्वेल्व, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व बाई टू, बी इक्वल टू सिक्स, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स। तो देखिए ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई सिक्स, सी की वैल्यू थ्री, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू सिक्स, सी की वैल्यू थ्री और डी की वैल्यू टू, ये हमने निकाल लिया। अच्छे से आप देख लीजिए इसको कैसे लिखते हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हम पहले मेटल देखते हैं, मेटल हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम है और हमने ए लिया है तो थ्री ए हो गया, इसके नीचे लिख दिए। राइट साइड हम तुरंत जाएंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे हमने सी लिखा, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन सी हो गया। उसके बाद हम नॉन मेटल पे जाते हैं, नॉन मेटल हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे टू ए होगा क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ टू है। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा डी है और वन है तो लिख दिए। उसके बाद हम ऑक्सीजन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन वन, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ वन है, यहाँ पे बी लिख दिए वन बी। और हम इसके बाद जब हम जाते हैं इधर पे ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे बस है टू और उसको मानते हैं सी बी हो गया। उसके बाद हम हाइड्रोजन पे जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू बी है, टू बी लिख दिए और यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी यहाँ पे सी में है तो टू सी और डी में देखेंगे तो थ्री डी लिख दिए। फिर हम वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकालने में किसी भी एक को वन मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए को वन माना, हम सी को भी वन मान सकते थे, हमने ए को वन माना तो यहाँ पे हमने लिखेंगे ए को वन माने तो हमारी सी की वैल्यू निकाल लेंगे थ्री ए, तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई थ्री आ गई। उसके बाद हम इसको देखेंगे टू ए इक्वल टू वन डी, फिर ए की जगह वन लिखे तो हमको डी की वैल्यू टू मिल गई। फिर हमने इस वैल्यू से इसमें रखा तो टू बी इक्वल टू टू सी प्लस थ्री डी, सी की वैल्यू थ्री है और डी की वैल्यू टू है, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह छह बारह, तो बी इक्वल टू सिक्स, ये सब वैल्यू आ गई। अब हम इस सब को रफ कर देंगे, ये सब जो हमने वैल्यू निकाली और हम इस फार्मूला में रख देंगे ए इक्वल टू वन, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एम जी थ्री एन टू, यहाँ पे वन लिखे चाहे मत लिखे है ना कोई मतलब। बी की वैल्यू कितनी सिक्स, सिक्स एच टू, फिर एरो है ना, फिर राइट साइड सी की वैल्यू थ्री, थ्री एम जी ओ एच ट्वाइस प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी टू, टू एन एच थ्री। अब हम चेक करते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ मास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड क्वालिटी, यहाँ मैग्नीशियम तीन है, यहाँ भी मैग्नीशियम तीन है ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन दो है, टू एटम्स ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है दो और ये तीन, सिक्स ठीक है। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे ट्वेल्व है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिक्स हो गया ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे भी सिक्स, तो ट्वेल्व हो गया। ये बहुत ही आसान मेथड है एबीसीडी वाला, बहुत अच्छे से इससे निकलता है, आपको इसमें बार बार लेफ्ट राइट को नहीं देखना पड़ता। मेथड वही मेटल नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, लेकिन एबीसीडी लिखने से बहुत आसानी से आ जाता है। एक आध एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ, मेरे पिछले वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे तत्वों को संकेत और पूरे 118 एलिमेंट्स को ट्रिक के माध्यम से याद करना पूरा बताया, कुछ केमिकल इक्वेशन केमिकल फार्मूलाज को भी रटवाया मैंने, उसमें आप देख लीजिएगा। हमारी अगली रिएक्शन है जो पोटेशियम ट्राइक्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं वियोजन अभिक्रिया अपघटन, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। अब हम इसको भी एबीसी कर देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया है ना। अब हम लिखते हैं, सबसे पहले मेटल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही रिएक्टेंट है तो ए होगा, यहाँ पे बी हमने नहीं लिखा है, और जब हम प्रोडक्ट प्राप्त करें दो तो ए बी और सी पांच रहेंगे, उसी हिसाब से यहाँ और आता तो यहाँ पे डी हो जाता। लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, तो लेफ्ट साइड सिर्फ ए लिखेंगे ना, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है इसलिए। अब हम पहले मेटल देखेंगे तो ए है हमारा बस है ना, वन ए बराबर। हम राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमारा के है जो वन बी है। उसके बाद हम नॉन मेटल देखेंगे, सी एल वन ए है और यहाँ पे सी एल वन बी है। उसके बाद हम ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे थ्री ए है और यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है टू सी है, टू सी ना। अब हम वैल्यू मान लिए वन, अगर हमने मान लिया ए बराबर वन तो बी बराबर भी वन आ गया ठीक है। अब सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो थ्री ए इक्वल टू टू सी, तो थ्री इंटू ए बराबर टू सी, तो सी इक्वल टू थ्री बाई टू, हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई थ्री बाई टू। अब हम इसको रफ कर देते हैं और हम यहाँ पे सब वैल्यू रख के देखते हैं, ए इक्वल टू वन मतलब के सी एल ओ थ्री ठीक है हमारा, यहाँ पे बी इक्वल टू वन तो के सी एल बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद सी ओ टू थ्री बाई टू,
सी की जगह ऑक्सीजन जो निकल रही सी की जगह क्या लिखेंगे थ्री बाई टू, सीओ टू नहीं है ये, है ना, ये सी है, ये होगा थ्री बाई टू, ऑक्सीजन हमारी थ्री बाई टू होगी। ये रिएक्शन है जो यह भी बैलेंस है, थ्री बाई टू भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये हमको अच्छा नहीं लगता ना, इतना थोड़ा अनइजी लगता है। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के, इस टू को हटाने के लिए पूरे में होल में टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो अब यहाँ पे यहाँ जाएगा टू के सी एल ओ थ्री, यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे टू टू कट गया, बचेगा थ्री ऑक्सीजन। चेक कर लीजिए पोटेशियम टू, यहाँ पे भी टू, क्लोरीन दो यहाँ पे भी क्लोरीन दो, ऑक्सीजन थ्री दो नीचे, यहाँ पे भी तीन दो नीचे। तो बहुत आसानी से हमारी बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके का भी अगर आपके पास आ जाता है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हैं। एक लास्ट इक्वेशन और बता देती हूँ, आप देखिए इसमें पानी में लोहे को तब तो एकदम किया जा रहा है, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको भी मान लेते, इसको भी मान लेते, इसको भी मान लेते। पहले मेटल देखेंगे, मेटल हमारे पास आयरन है, यहाँ पे हो जाएगा वन एक, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे तीन है, एफ यहाँ पे थ्री और सी आ जाएगा। उसके बाद हम नॉन मेटल देखेंगे तो यहाँ नॉन मेटल बिल्कुल नहीं है, है ना। अब उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे ओनली बी, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखेंगे तो फोर सी। उसके बाद हम हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा टू बी है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन टू बी है। अब हम इसमें कोई भी वैल्यू को वन मान लीजिए, हम ए बराबर वन मान लीजिए, ठीक है, ए बराबर वन, तो हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, ए बराबर वन करेंगे तो सी बराबर वन बाई थ्री आ गया है, और सी बराबर वन बाई थ्री आ गया तो हमारा जो बी की वैल्यू है फोर बाई थ्री हो जाएगा। और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी कितना आएगा टू बी इक्वल टू टू डी, बी की वैल्यू कितनी है फोर बाई थ्री, ये दो कट गया तो डी की वैल्यू हो गई फोर बाई थ्री। जब हमने ए बराबर वन माना है जब, और अगर हम सी बराबर वन मानते ना तो और आसानी से हमारा हो जाता है। मैंने बोला ना किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं हम, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि सब में वन बाई थ्री फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री सब ऐसे आया है ना, बी की वैल्यू भी फोर बाई थ्री और डी, क्यों बी की जो वैल्यू आएगी वही डी की आएगी ना, क्योंकि टू बी बराबर टू डी। हम इस इक्वेशन से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर वही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और सी इक्वल टू वन करके भी मैं आप लोग को बताती हूँ। ए इक्वल टू वन है तो यहाँ पर खाली एफ ही लिख दो, बी इक्वल टू फोर बाई थ्री है तो फोर बाई थ्री एच टू लिखना पड़ेगा हमको, सी की वैल्यू कितनी आई हमारी वन बाई थ्री तो यहाँ पे वन बाई थ्री एफ ई थ्री और फोर लिखना पड़ेगा, डी की वैल्यू हमारी क्या है फोर बाई थ्री एच टू लिखना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं सब में यहाँ पे हर में क्या है तीन है, तो हम यहाँ पे तीन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरे में, तो यहाँ पे थ्री एफ ई हो जाएगा प्लस ये थ्री थ्री कट गया फोर एच टू हो जाएगा, फिर से थ्री कट गया तो एफ ई थ्री फोर फोर हो जाएगा, और ये भी थ्री थ्री कट गया तो यहाँ जाएगा फोर एच टू। चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं एटम्स को, यहाँ पे आयरन तीन है यहाँ पे भी आयरन तीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आठ है यहाँ पे भी हाइड्रोजन आठ है, यहाँ पे ऑक्सीजन चार है यहाँ पे भी ऑक्सीजन चार है। बहुत आसानी से देखिए बैलेंस हो गया। इस तरीके से अगर भिन्न के रूप में हमको संतुलन के बाद प्राप्त होता तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम सी बराबर वन मान के भी आपको बता देते हैं, मैंने ए बराबर वन माना था हम सी बराबर वन मानेंगे, तो हम इसमें कैसे लिखे थे जो एफ ई है हमारा वन ए, और यहाँ पे हमारा एफ ई क्या था थ्री सी था। उसके बाद हमने क्या देखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे बी था और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन फोर सी था। उसके बाद हमने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे टू बी था और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन टू बी था। अब हमको सी बराबर वन मानना है, सी बराबर वन पहला, तो जब सी बराबर वन है तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, या तो लिखिए यहाँ पे वन लिखेंगे तो इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब जब सी बराबर वन है तो बी बराबर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, बी बराबर फोर है तो बी बराबर भी क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, समझ जाएगा अच्छे से, देखिए है ना एफ ई यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन एफ ई ए हमारा वन ए है तो हमने वन ए लिखा,
एफ यहाँ पे हमारा 3C है, तो हमने 3C लिखा। उसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे बी है 1B, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 4C हमने लिख लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2B है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2B है। फिर हमने अब की बार C इक्वल टू 1 माना। जब C 1 लेंगे तो A3 हो जाएगा, फिर जब C 1 लेंगे तो B4 हो जाएगा, जब B4 है तो BB4 हो जाएगा। अब हम सिर्फ इसको रफ करेंगे, सिर्फ इस लाइन को, और हम लिखेंगे C बराबर 1 है ना, और A बराबर 3। तो देखिए 3Fe हो जाएगा प्लस B हमारा 4 है, 4H2O हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास C आ रहा, तो C हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा Fe3O4। ये वाली रिएक्शन देख के लिख रही हूँ ना, ये वाली देखिए A B और C, और DH2 ना, तो D की जगह कितना 4H2। इसमें देखिए आपको कोई भी बार में मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 3Fe4H2 Fe3O4 4H2, हाइड्रोजन गैस पॉप पॉप की आवाज इसमें निकलना है। तो इस तरीके से जो ABCD मेथड है बहुत आसान है। आप बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं, जितनी भी टाइप की हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, हमारे संयोजन वियोजन अपघटन ऑक्सीकरण अपचयन अपक्षेपीकरण, सब में इस मेथड को अप्लाई करके आप उनको बैलेंसिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है। उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।